अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल बेटी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। अवामी राय प्रोग्राम के साथ मैं इस वक्त समराबाद में मौजूद हूं कार हट पर, और आज हमें ज्वाइन किए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट हैं किसी भी तरफ के मुताज नहीं, असद दरासे कार्स के बिजनेस से मुंसलिक है जी, जिशान अली इनका नाम है। इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर आएगा जो मुल्क पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ इनसे ये भी पूछेंगे कार की प्राइसेस के बारे में, जो रेट्स चल रहे हैं उसके बारे में भी पूछेंगे, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इनको उस बारे में भी, और जैसे कि आपको पता है बिजली के बिलों से भी लोग बड़े परेशान हैं इस मंथ में, उस बारे में भी पूछेंगे। इनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट, कोई फर्क पड़ा है तो उस बारे में भी पूछेंगे कि बिल्स जो आए हैं उसके बारे में ये क्या करना चाहेंगे। सो मिलते हैं जिशान अली साहब से, बाकी सारी बातचीत मिलकर इन्हीं से करते हैं। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप लाइव देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में सिटी न्यूज़ के व्यूअर्स तमाम को हाजिर आके अस्सलाम वालेकुम कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जिशान अली साहब, कैसा लगा हमारी सिटी न्यूज़ की टीम आज समलाबाद में कार हट आपके शोरूम पे मौजूद है? जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और प्रोग्राम कैसा है अवामी राय जो आपके कार एसोसिएशन को मिल रहे हैं? ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जी, अवामी राय होने चाहिए। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा सर, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे सिटी न्यूज़ के व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। कितने अरसे दराज से आप इस बिजनेस से मुंसलिक हैं? जी 8-1 साल हो गए। 8 साल हो गए जी। कैसे हालात चल रहे हैं आजकल? आजकल तो हालात सबके सामने है, बिजनेस के हालात किसी से भी छुपे नहीं हुए, जो मुल्क के हालात हैं उसके अकॉर्डिंग। पहले सर बिजली की बात ही करते, लोग बड़े परेशान हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी, आपके कार एसोसिएशन, बिल्स सभी को ज्यादा आ रहे हैं, आपको भी कुछ ज्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह सबके रूटीन में कितने आते थे, इस दफा कितना आया, इधर शोरूम का कितना बिल आया? शोरूम का 22,000 बिल आया। पहले कितना आता था आपका? 10,000-8,000 के राउंड अबाउट आता था। 10-11 जी जी, यानी कि डबल हो गया। बिल्कुल डबल हो गया। अच्छा, और घरों के कैसे रूटीन रही? घर का बिल आया 53,000 ऑलमोस्ट जी जी। बिल्कुल पहले कितना आता था रूटीन में? 25-30,000 के राउंड अबाउट, यानी वो भी डबल चला गया। बिल्कुल। अच्छा, किसको कसूरवार ठहराते हैं, ये क्या वजह, क्या है क्यों इतने बिल्स पे आ रहे हैं? कसूरवार हमारी आवाम खुद है जी। अच्छा, जो इस तरह की लीडरशिप को लेके आई हुई है। अच्छा बस ठीक हो गया जी। तो अच्छा सेकंड ये बताइए कि आपकी कार एसोसिएशन के बारे में भी बातचीत करेंगे, कौन कौन सी गाड़ियां आप कर रहे हैं, नई कर रहे हैं, पुरानी गाड़ियां? यूज्ड कार्स। यूज्ड कार जी, यूज्ड कार। कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल आपके पास होती है? मेरे पास यूज कार आप मॉडल्स की होती हैं अवेलेबल। अच्छा। सारी वैरायटी है, जापानीज, पाकिस्तानी। अच्छा, जी पाकिस्तानी सारी जी। अच्छा, नाम आपने बड़ा प्यारा रखा है कार हट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार, ये क्या सोच के आपने रखा, आइडिया कैसे आया और किसने आपने रखा या किसी भाई? जी खुद ही रखा, बस थोड़ा सा यूनिक नेम था। अच्छा जी। अच्छा, अदर ब्रांचेस भी कोई है जेल रोड या कोई? नहीं नहीं, बस यही एक ब्रांच, यही है पे आपका? बिल्कुल ठीक है। सो नाजी, जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं जी सिटी न्यूज़ पर, अगर आपको किसी किस्म की गाड़ी चाहिए हो, नई पुरानी गाड़ियाँ चाहिए हो, तो आप कार हट की जो सर्विसेज हैं इनको अवेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं डायरेक्टली जिशान अली साहब के, ये नंबर्स हैं कार हट के नंबर हैं। अपनों को सपोर्ट करें, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी को सपोर्ट करें, जिस तरह के मुश्किल हालात चल रहे हैं लाजमी हमारे जो समलाबाद के कार हट वाले हैं दो सहबाब, इनको भी आप सपोर्ट कीजिएगा। कोई गाड़ी चाहिए हो तो आप लाजमी इनसे रब्ता कीजिएगा। सर मैं चाहूँगा आप भी अपने नंबर से रिपीट कर दें, ताकि डिफेंस वाले गुलबर्ग वाली फैमिलीज अगर आना भी चाहें तो अपनी लोकेशन भी बता दीजिएगा, कहाँ पर आपका शोरूम है, नियरेस्ट लैंडमार्क भी बता दीजिए। 89 मेन बुलेवार्ड समलाबाद, राउंड अबाउट, फर्स्ट राउंड अबाउट के साथ आइए। फोन नंबर है 0300-408-2372। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, 0300-408-2372। और कोई आपका पेज या कोई वेबसाइट है अगर फैमिलीज वहाँ पे विजिट करना? जी बिल्कुल, पेज है, फेसबुक पेज है कार हट के नाम से। कार हट के नाम से जी, कार हट के नाम से। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच सर, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर प्रोग्राम है अवामी राय, उसके आप स्पेशल गेस्ट हैं। सेकंड मेरा क्वेश्चन है मीडिया के बारे में बताना है, पाकिस्तान में मीडिया अपना रोल कैसा अदा कर रहा है, एज अ बिजनेसमैन किस नजर से देखते हैं आप? मीडिया का रोल जी ऐसा जो है ना, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, सोशल मीडिया की वजह से आवाम में जरा। 25-30 साल पीछे चले जाएं, एक ही चैनल था पीटीवी, उस दौर में और आज के दौर में क्या फर्क महसूस करते हैं? नहीं, अवेयरनेस जितनी है मीडिया की वजह से ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आज से पहले तो हम पीटीवी पे बस वो एक ही प्रोग्राम जो गवर्नमेंट बता रही होती थी, जो मामला वो बताते थे, आजकल हर बंदा अवेयर है, ये सोशल मीडिया की वजह से ही है। वेरी नाइस, आपने जाना, बड़े ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं जिशान अली साहब ने मीडिया के बारे में। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी आएगी जो मुल्क पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, शॉर्टकट में क्या बताएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वन एंड ओनली पीटीआई? पीटीआई ले जी, जिशान अली साहब भी पीटीआई के सपोर्टर हैं, और मोस्टली बहुत सारे जो हैं
सपोर्टर्स। हाँ जी, ले जी, इमरान खान के काफी सपोर्टर्स मिल रहे हैं जी। अच्छा सर, क्या सोचकर आपने मतलब फर्स्ट टाइम वोट दिया या इससे पहले आप किसी और पार्टी? 2013 में फर्स्ट टाइम वोट दिया था, 18 में सेकंड टाइम दिया था, दोनों दफा पीटीआई को ही दिया था, दोनों दफा। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी शॉर्टकट में आपने कमेंट्स देने, बिलावल भुट्टो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में एक लाइन में? कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मरियम नवाज? कुछ भी नहीं कहना चाहिए। शेख रशीद? कुछ भी नहीं कहना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी? शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का सिपाही है जी। वाह जी वाह, बिल्कुल शाह महमूद। तो शेख रशीद साहब के बारे में क्या कमेंट्स? नहीं, वो बस शेख रशीद साहब के बारे में मेरी कोई राय नहीं। अच्छा ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में? शहबाज शरीफ साहब के बारे में हम क्या कहेंगे, सारी दुनिया को नो कमेंट्स। बिल्कुल नो कमेंट्स। अच्छा, सिर्फ इमरान खान के बारे में कमेंट्स लें। लास्ट में आ गए इमरान खान साहब, उनके बारे में क्या कमेंट्स लेंगे? इमरान खान चीता जी, हमारा शहजादा। ठीक है। अच्छा, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे इमरान खान साहब को, आप अपना जिस तरह की मौजूदा सरगर्मियां चल रही है सारी? इमरान खान साहब के लिए एक ही पैगाम है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो हो उस पर जो है ना इलेक्टेबल्स जो है ना उनकी बजाय आम बंदे को चांस दें, उनको जरूरत ही नहीं है इलेक्टेबल्स की। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, जात के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी शख्सियत है वो? हमारे तो आइडियल है। किस वजह? क्रिकेट की वजह या सियासत की वजह? सियासत की वजह से हमारे मेंटोर हैं। क्रिकेट की वजह नहीं, क्रिकेट की वजह से भी, डेफिनेटली क्रिकेट की वजह से उनकी पहचान है, लेकिन अब हमें सियासत की वजह से पहचानते हैं, सियासत हमारे मेंटोर हैं। आपको क्या ज्यादा उनमें क्या अच्छा लगता है ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी में? सब कुछ ही अच्छा है जी। सारे तो ईमानदार कहते हैं जी, ईमानदार ईमानदार वो बड़ा, उन्होंने और भी काफी बातें हैं। ठीक है, चले ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। लास्ट हमारा क्वेश्चन होता है जो भी गेस्ट होता है, एक दिन के लिए अगर आपको मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बना दीजिए, वन डे प्राइम मिनिस्टर, आप क्या करेंगे? ट्रैफिक का निजाम ठीक करेंगे, पंजाब पुलिस का, हॉस्पिटल का, तलीम का, सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या समझते हैं जो आपके मुल्क पाकिस्तान में होने वाला है और वो आप अदलिया? अदलिया, बिल्कुल। जिस भी मुल्क की अदलिया ठीक होगी उसका हर चीज ठीक हो जाएगी, जहाँ पे हर बंदे को इंसाफ मिलेगा वहाँ पे जो है ना सारे मामले ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच ईशान अली साहब, आपने अपने कीमती टाइम दिया। जाते जाते मीठे से कमेंट्स हो जाए, सिटी न्यूज के बारे में, हमारे चैनल के बारे में कैसा लगा, हमारी टीम आज आपके बहुत जबरदस्त जी, प्रोफेशनल माशाल्लाह, आप प्रोफेशनल एंकर हैं, कैमरामैन आपके प्रोफेशनल लग रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, वन सेकंड, एक बार फिर से कार जो सर्विसेज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं। लाजमी आपको किसी किस्म की गाड़ी चाहिए हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन्हीं से रब्ता कीजिएगा, समनाबाद की बहुत बड़ी मार्केट है, कार अपना एक नाम, अपनी एक पहचान रखते हैं। दोबारा हाजिर जी अवामी राय प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह व सलामती को कायम करे और एक ऐसा लीडर और ऐसी पार्टी मुहैया करे जो मुल्क पाकिस्तान को बेहतरी और तरक्की की तरफ लेकर जाए। सो ज़ीशान अली साहब के बारे में भी बताना है कि इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इनकी खट्टी मीठी बातें वो आपको कैसे लगी, आपका फीडबैक मेरे लिए खासतौर पर एनर्जी का काम सर अंजाम देता है। आखिर में एक मिलकर नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।